उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार मानव वन्य जीव संघर्ष के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और खासकर अल्मोड़ा में गुलदार के हमलों की घटनाएं बढ़ रही है। अल्मोड़ा जिले में पिछले 3 सालों में गुलदार के हमले के 50 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें कि 6 लोगों की मौत हुई है और लगभग 4 दर्जन लोग घायल भी हो चुके हैं। गुलदार की आबादी वाले क्षेत्रों में धमक ज्यादा दिखाई दी है और इससे ये अंदेशा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में गुलदारों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। वन विभाग ने इस मामले की पुष्टि की है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से आपको जानकारी दे रहे हैं। गुलदारों का मानव बस्ती में विचरण बढ़ गया है। अल्मोड़ा में गुलदार के हमलों में इजाफा हुआ है। 3 सालों में 50 मामले सामने आ चुके हैं। अब तक 3 साल में 4 दर्जन लोग घायल हुए हैं तो वहीं 6 लोगों की मौत भी हुई है। अल्मोड़ा में गुलदार के हमलों में इजाफा हुआ है और कई क्षेत्रों में गुलदार देखने को मिले हैं। 3 साल में लगभग 50 केस सामने आ चुके हैं, 50 मामले सामने आ गए हैं जहां पर गुलदार के हमले में 3 साल में अगर बात की जाए एक एवरेज की, औसतन 4 दर्जन लोग घायल हुए हैं और 6 की मौत हुई है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। अल्मोड़ा में गुलदार के हमलों में बढ़ोतरी हुई है, गुलदार की संख्या में भी इजाफा हुआ है। वन विभाग ने इस मामले की पुष्टि की है। आपको बता दें कि गुलदार की आबादी वाले क्षेत्रों में धमक ज्यादा दिखाई दी है और इससे यह अंदेशा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में गुलदारों की संख्या में इजाफा हुआ है। तीन वर्षों में अगर देखा जाए तो 2021 में मानव मृत्यु की घटना अल्मोड़ा वन प्रभाग में न्यूनतम रही है। 2020 में 3 लोगों की मृत्यु हुई थी तेंदुए के कारण और 2021 में 2 लोगों की हुई थी और 2022 में नवंबर 2022 तक सिर्फ 1 मानव मृत्यु की घटना हुई है। जी जी, दोनों ही क्षेत्रों में वन विभाग के कर्मचारी टीम बनाकर गश्त कर रहे हैं तथा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी ऐसी दोबारा घटना